इस मामले में गिरफ्तार 19 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी और उनकी पहचान की जा रही है। आपको बता दें कि सिलसिला इसका लगातार जारी है। पुलिस लगातार आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। हरियाणा पुलिस के मुताबिक अब तक 5 जिलों में 93 FIR दर्ज की गई है, जबकि 176 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही 77 लोग भी इस वक्त हिरासत में लिए गए हैं। और आपको बता दें कि 19 जो आरोपी हैं उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी कोर्ट ने भेज दिया। वहीं हरियाणा में हिंसा के आरोपियों की धरपकड़ लगातार जारी है। हिंसा के पीछे कौन मास्टरमाइंड है, हिंसा का कसूरवार कौन है और हिंसा की शुरुआत कहां से हुई, इन सब की जड़ तक पहुंचने के लिए जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश राजस्थान बॉर्डर से सटे सभी जिलों में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। हिंसा प्रभावित इलाकों में लगे CCTV से उपद्रवियों की पहचान लगातार की जा रही है। हरियाणा के नूह में नफरत की साजिश को अभी कुछ ही घंटे हुए थे कि आग की लपटों से हरियाणा के दूसरे शहर भी धधकने लगे। गुरुग्राम, पलवल, राजस्थान, यूपी बॉर्डर से सटे इलाकों में आगजनी, तोड़फोड़ की खबरें आईं। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, दुकानों में तोड़फोड़ की गई, कई इलाकों में फायरिंग की भी खबर है। हिंसा के बाद से हरियाणा के कई जिलों में धारा 144 लगी हुई है। हालात को देखते हुए बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती की गई है और उपद्रवियों की तलाश के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि हिंसा भड़काने के लिए सोशल मीडिया को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया। ये दलील देना कि किसी क्रिमिनल ने कोई वीडियो जारी कर दी थी, तो इसका मतलब ये है कि तुम लोगों के घरों को आग लगा दो, इसका मतलब ये है गाड़ियां फूंक दो, इसका मतलब ये है गोलियां चलाओ। कौन सी किताब में लिखा ये? अगर कोई क्रिमिनल ऐसा कर भी देता तो, मान लो कर दिया, तो क्या इसका मतलब ये है? तो फिर तो कल को सारी सब कुछ क्रिमिनल के हाथ में चला जाएगा। हिंसा की जड़ तक पहुंचने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ एक्शन की तैयारी है। शांति बहाल करना सरकार की प्राथमिकता है। नूह में हालात को सामान्य करने के लिए दूसरे जिलों से अतिरिक्त फोर्स को बुलाया गया है और आगे भी जरूरत पड़ने पर फोर्स बुलाने की बात कही जा रही है। 20 कंपनियां केंद्र से हमें मिली, वो हमने डाल रखी है। नूह में 8 थाने हैं, हमने 8 हिस्सों में उसको विभाजित किया है। हर थाने का किसी IPS को इंचार्ज बनाया है। और सबसे जो प्राथमिक काम है वो काम है वहां पे शांति की बहाली करना। हिंसा के दौरान नूह, गुरुग्राम समेत कई जिलों से लूटपाट की तस्वीरें सामने आई। सरकार का कहना है कि उपद्रवियों की पहचान कर उनसे नुकसान की भरपाई करवाई जाएगी। जनता के विश्वास को फिर जगाना होगा, दोषियों पर सख्त एक्शन होगा। हमने वहाँ पर नूह में 8 थाने हैं, हर थाने पर एक IPS की ड्यूटी लगाई है और जो जो साक्ष्य मिल रहे हैं CCTV से या अन्य तरीकों से जो साक्ष्य मिल रहे हैं हम उसके FIR दर्ज कर रहे हैं। हमने 41 FIR दर्ज की हैं और 116 व्यक्तियों को हम अभी तक अरेस्ट कर चुके हैं। पलवल, फरीदाबाद, सोहना और पटौदी में 5 अगस्त तक इंटरनेट बंद है ताकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए किसी तरह की गलत जानकारी या अफवाह को फैलाने से रोका जा सके। इससे प्रदर्शनकारियों की भीड़ को इकट्ठा होने से भी रोका जा सकता है। वहीं अनिल विज ने इंटेलिजेंस फेलियर के दावे पर भी जांच की बात कही। जो भी लोग ये दलील दे रहे हैं वो ठीक बात नहीं है। मोनू मनेसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, करेंगे सख्त से सख्त कार्रवाई।
इस केस में भी अगर उसकी कोई भूमिका होगी तो बख्शा नहीं जाएगा किसी भी हालत में, लेकिन हम तथ्यात्मक चीजें एकत्रित कर रहे हैं। हरियाणा में हिंसा के बाद यूपी राजस्थान में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरियाणा सटे हुए जिलों में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है, हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। नूह में हिंसा के बाद पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। हिंसा के आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी हो रही है। नूह के जिस इलाके में पहाड़ी से फायरिंग करने का आरोप लगा था, वहां भी पुलिस की एक टीम जांच के लिए पहुंची थी। मैं इस वक्त नलेश्वर महादेव के उसी मंदिर के बैक साइड में हूं, क्योंकि भीड़ उस दिन इसी जगह पर थी और इसी बिल्डिंग के, जो आपको गुलाबी रंग की ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इसका ये पार्ट है और यहीं पर से फायरिंग के आरोप लग रहे थे कि जो फायरिंग है वो इस जगह से भी फायरिंग हो रही थी। जो ऊपर पहाड़ियां आपको दिखाई दे रही है, यहां से फायरिंग की जा रही थी और ताबड़तोड़ फायरिंग लोगों के ऊपर उपद्रवी कर रहे थे, वो दंगाई थे और उनको रोकने की यहां पर कोशिश इन पहाड़ियों से काफी की जा रही थी, लेकिन उनकी हाइट थी, ऊंचाई पर वो थे और इसी वजह से लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग जो है उसके आरोप लग रहे हैं कि ऊपर से फायरिंग की जा रही थी। हालांकि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से जब हमने सवाल किया था तो उनका यही कहना था कि जहां तक जांच के जिस तरह के भी वायरल वीडियोज या सोशल मीडिया में पोस्ट आएंगे उनके हिसाब से उनकी टीमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि किसी तरह से किसी भी तथ्य को छोड़ा नहीं जा सकता। उनका यह भी कहना था कि जो आरोप लोग लगा रहे हैं कि पहाड़ियों से फायरिंग हो रही थी या फिर अलग अलग जो लोकेशन थी वहां से फायरिंग हो रही थी, ये सारा बैकग्राउंड देखा जा रहा है। और उसके साथ ही अधिकारियों ने इस मंदिर के चारों तरफ का राउंड लिया था और वहां पर जाकर मौका मुआयना किया, जो मंदिर के पुजारी थे उनसे पूछताछ की थी और इसी वजह से यहां पर ये पूरा जो यहां पर पूरा मैदान जो आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, ये सारा मैदान उस दिन यहां पर भक्तों से भरा हुआ था। और नूह में हुई हिंसा से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर मिल रही है। हिंसा के बाद से सरकार लगातार एक्शन मोड में है और इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। हिंसा के पीछे बड़ी साजिश की भी आशंका जताई जा रही है। अब इसकी जांच एसआईटी को सौंप दी गई है। उधर जिन इलाकों में इंटरनेट बंद है, वहां इंटरनेट सेवा शुरू करनी है या फिर नहीं, इसके ऊपर आज फैसला आ सकता है। तो आपको बता दें कि लगातार एक्शन जारी है। 78 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। इसके अलावा 19 लोगों की गिरफ्तारी जिनकी हुई थी उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एसआईटी का गठन किया गया है। इसके अलावा सोशल मीडिया पोस्ट पर भी लगातार निगरानी की जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट है, दिन और रात में पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है और नो एडवर्स इंसिडेंट रिपोर्टेड, सेंस ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज कमिंग। और इसके अलावा पिछले 24 घंटे की बात करें तो हमने कुल 4 FIR और फ्रेश दर्ज की हैं, जिसमें से कुल हमारी 45 FIR हो गई हैं, 41 पहले हो चुकी थी। उसमें 3 सोशल मीडिया से संबंधित इंस्टिगेशन के संबंध में हुई हैं FIRs और 1 FIR एक व्यक्ति ने अपने बाइक के संबंध में दी थी कंप्लेंट। अभी तक जो टोटल अरेस्ट हुए हैं वो उसमें हमारे कल 23 अरेस्ट और एक्स्ट्रा हुए हैं, तो अभी तक कुल 139 अरेस्ट पुलिस कर चुकी है। नूह हिंसा केस में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। हिंसा से जुड़े हुए सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ सबूत भी जुटाए जा रहे हैं। जांच के लिए एसआईटी का भी गठन किया गया है जो हर पहलू की जांच करेगी। हरियाणा की एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह ने कहा है कि हर पहलू की जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त हमारे साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह हैं, जो यहां पर मंदिर प्रांगण में आई थी। मैम, आप मंदिर में आई हैं और इसी जगह से यात्रा भी शुरू हुई थी और झगड़ा भी शुरू हुआ था, तो क्या इन्वेस्टिगेशन अभी आप लोगों ने की है आज के दौर में? इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो भी हालात हुए थे उनके संबंध में जो FIR दर्ज हुई है उसके बारे में SIT गठित करके हम जांच कर रहे हैं और जांच की प्रक्रिया अभी शुरुआती दौर पर है, तो कुछ भी इसके बारे में कहना भी सही नहीं होगा। अब तक कितनी गिरफ्तारियां कुल हो चुकी है मैम? अभी 135 के लगभग हो चुकी है, एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पर 135 के करीब गिरफ्तारियां हो चुकी है। कई वायरल वीडियोस आए हैं जो इस पहाड़ी मंदिर के ठीक पीछे से आए हैं, क्या आप इनकी इन्वेस्टिगेशन अभी कर रहे थे? इन्वेस्टिगेशन में सारे टेक्निकल एविडेंसेस सोशल मीडिया में जो भी सारे एक जांच का हिस्सा होता है, प्रक्रिया का हिस्सा होता है। ये भी आ रहा है खबर में कि कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था इस पूरे हमले से पहले। सभी तथ्यों पर जांच हो रही है, ये सारे पार्ट का इन्वेस्टिगेशन है। अभी कितने दिन की और की इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि धीरे धीरे ढील दी जा रही है, और क्या लग रहा है कि आने वाले समय में हालात बिल्कुल सामान्य हो जाएंगे?
हालत सामान्य करने के सारे प्रयास किए जा रहे हैं। ढील देना कर्फ्यू में उसी प्रयास का एक हिस्सा है और हमारा ये प्रयास रहेगा कि बहुत जल्दी जितना जल्दी हो सके लाइफ एक नॉर्मल जनजीवन अपनी नॉर्मल गति से कार्य करना शुरू करे। और वहीं नूह में बढ़ती हिंसा के बाद से हरियाणा सरकार सख्त दिखाई दे रही है। उपद्रवियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की तैयारी भी की जा रही है। सरकार ने दंगाइयों के खिलाफ एक्शन का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। हरियाणा पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियां उपद्रवियों की तलाश और पहचान में जुट गई हैं। उपद्रवियों के खिलाफ सरकार का एक्शन प्लान तैयार। उपद्रवियों से होगी नुकसान की वसूली। हमने एक एक्ट बना लिया है और उस एक्ट में यह पारित किया गया है कि कोई भी जो लॉस है, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी का होगा चाहे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी का होगा, ये ठीक है कि पब्लिक प्रॉपर्टी का तो सरकार ही सू करेगी लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी का उसको अपने आप सू करना पड़ता है। तो जिन्होंने नुकसान किया है वो इस बात के लायबल हैं कि उनसे वो भरपाई कराई जाए। हिंसा के पीछे बड़ी साजिश की आशंका। इकतीस जुलाई को जिस तरह से हरियाणा के नूह में हिंसा भड़की उसके पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है। लिहाजा ऐसी घटना और उपद्रवियों से निपटने के लिए सरकार ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। उपद्रवियों की कमर तोड़ने का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। हिंसा भड़कने के बाद से आरोपियों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। वहीं कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है ताकि उपद्रवियों और उन्हें शरण देने वालों से सख्ती से निपटा जा सके।